हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरी बैल्कनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है और कितनी बारिश हो रही है यहाँ पर। बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए गाइस, मैंने सोचा आपको अपनी फ्रेंड की बेल्कनी से भी दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ऊपर से पूरा व्यू आ रहा है और धीरे धीरे बारिश हो रही है, मज़ा ही आ गया देखकर। किस किस को ऐसा मौसम पसंद है कमेंट्स में बताइएगा मुझे। मैं तो इस मौसम को बहुत इंजॉय करती हूँ और मेरी फैमिली भी। ये देखिए पूरा व्यू। अब मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा सा बनाया जाए, तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर कीमा। और मैंने यहाँ ये सब चीज़ ले ली है, मटर, प्याज, आलू, कीमा वॉश करके रख लिया है, अदरक लहसुन का मुझे पेस्ट बनाना है। तो अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे और हम इसमें डालेंगे ये खड़े मसाले, जिसमें काली मिर्च जाएगी, लौंग जाएगी, हरी इलायची, लाल इलायची, इसको डालेंगे और अच्छे से इसको हमें फ्राई करेंगे। ये देखिए आराम आराम से डालिएगा, इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है। आंच को हम धीमी कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज पिसी हुई और इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे कीमा, ये मटन का कीमा है, और इसको अच्छे से हमें मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसे ढककर पकाएंगे सिम पर 10 मिनट के लिए, छोड़ देंगे। इतनी ही देर में हम अपने आलू छील लेते हैं। ये मैंने 5 आलू लिए हैं, इसको हम छील लेंगे। आलू मैंने सारे छील लिए हैं, अब मैं इसको काट लूँगी। आलू को कट करने के बाद मैं इसको पानी में डाल दूंगी, इससे आलू काले नहीं होंगे। अब इतनी ही देर में हम देख लेते हैं कीमा। ये देखिए ये हाफ कुक हो गया है, इसको अच्छे से भूनेंगे हम। अब हम कीमे में ये कटे हुए आलू डाल देंगे और इसे 5 मिनट पकाने के बाद इसको चेक करेंगे। इसको बीच बीच में हमें चलाते रहना है। अब हम डालेंगे इसमें मटर, इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे हल्की आंच पर। इतनी देर में मैंने सोचा कुछ टीवी में देखा जाए।
फिर उतनी ही देर में हम देख लेते हैं हमारा कीमा रेडी है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए कीमा बिल्कुल बन के रेडी है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बना है। चेक करते हैं इसमें आलू गल गए हैं या नहीं, आलू अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए अच्छे से कट हो रहा है। मुझे तो देखकर ही भूख लगाई। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। मेरे पास धनिया नहीं है, हरा धनिया, इसलिए मैं सिर्फ अभी इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, और अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डालिए, उससे बहुत ही अच्छा लगता है ये दिखने में और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने ग्रीन चिलीज़ पहले नहीं डाली क्योंकि बच्चों को मिर्च लगती है, इसलिए मैं थोड़ा लास्ट में ही डालना प्रेफर करती हूँ। आप लोगों को अगर पहले से डालना है तो आप पहले भी डाल सकते हैं। और ये देखिए गाइस, मैंने मिल्क बास्केट से भुट्टे मंगवाए थे, ये बिल्कुल पैक भुट्टा था और बिल्कुल खाली निकला है। ये देखिए यहाँ मेरी बेटी खेल रही है अपने टेबल टेनिस रैकेट से, इसको पैक करके रख रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।